बड़ी खबर मिल रही है फुलवारी शरीफ से। इस समय की बड़ी खबर आ रही है, एएसपी का वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो में सिपाही एएसपी का मसाज करते नजर आ रहे हैं। 7 सिपाहियों ने एसएसपी से इसकी शिकायत भी की है। पिछले साल के नवंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जब पुलिस के वरीय अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से खुद की सेवा करवाने में लगे हुए हैं और इसकी शिकायत पटना एसएसपी से की गई है। ये एएसपी का वीडियो भी सामने आया है। हालांकि न्यूज स्टेट इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है, बताया जा रहा है, आप दो व्यक्ति को बिना वर्दी जबकि तीसरे व्यक्ति को वर्दी में देख सकते हैं और जो इन तीनों से मालिश करवाने का आनंद ले रहा है वो पुलिस के वरीय अधिकारी बताए जा रहे हैं। फुलवारी शरीफ के एएसपी हैं जो अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों से अपनी सेवा करवाने में जुटे हुए हैं, मसाज करवाने में लगे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिसकर्मी वर्दी में जो पांव दबाने में लगा है, तो दो और अन्य व्यक्ति भी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं और जो वीडियो में मसाज का आनंद लेता व्यक्ति दिख रहा है वो पुलिस का वरीय अधिकारी फुलवारी शरीफ एएसपी, जिनका वीडियो वायरल हुआ है। सहयोगी रजनीश से पूरी जानकारी लेते हैं। रजनीश, ये वीडियो वायरल हो रहा है और पुलिस किस तरह से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ व्यवहार करते हैं उसकी शिकायत भी आ रही है। देखिए, फुलवारी शरीफ के एएसपी मनीष का हाथ पर दबाते हुए वीडियो वायरल हुआ है और ये वीडियो बताया जा रहा है कि नवंबर महीने का है, इसके पहले का ये वीडियो है। जो सिपाही वहां पर हाथ पर दबा रहे थे उनमें से ही किसी ने वीडियो को वायरल किया था और उसके बाद से इस पर एक जांच भी हुई थी। जांच कराकर रिपोर्ट जो है वो सरकार को भेजी गई थी। जब पटना एसएसपी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पिछले साल नवंबर का ही वीडियो है और इस पर एक जांच जो है वो जांच रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेज दी गई है। चूंकि ये रिपोर्ट गोपनीय होती है तो इसे शेयर नहीं किया जा सकता है। जबकि एएसपी मनीष कह रहे हैं कि जो वीडियो है दरअसल वो मिथिलेश स्टेडियम का है, वहां पर वो खेल रहे थे और उस दौरान उनका एंकल ट्विस्ट कर गया था और एंकल ट्विस्ट होने के कारण ही वो वहां पर जो सिपाही मौजूद थे उनसे उन्होंने उसे ठीक करने को कहा था, लेकिन जो घर पर जाके काम करवाने की बात है वो बेबुनियाद है। जबकि लिखित शिकायत सिपाहियों ने की है और उनका यह आरोप है कि जो काफी अमानवीय व्यवहार एएसपी करते हैं और उन्होंने कहा कि हम लोगों के साथ हम लोगों को कपड़ा दिलवाने का काम होता है, हाथ पैर दबवाने का काम होता है, लेकिन प्रमाण अभी तक इन लोगों ने पूरी तरह से दिया नहीं है और इनका कहना है कि अगर प्रमाण माना जाएगा तो हम देंगे। तो एक तरफ आरोप है, एक तरफ वीडियो है, एएसपी की का अपना क्लैरिफिकेशन है और सरकार इस पूरे मामले की जांच करवा रही है। जी रजनीश, मतलब ये पुराना मामला है और इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा चुकी है, एक बार फिर से वीडियो वायरल हुआ है तो विवाद खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए इस वीडियो पर जांच हो चुकी है, चूंकि वीडियो एक बार फिर से सामने आया है तो विवाद खड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के पास इस वीडियो को लेकर और जो शिकायतें सिपाहियों ने की थी इसको लेकर रिपोर्ट भेज दी गई है। एसएसपी ने खुद बताया है कि हम लोगों ने रिपोर्ट भेजी है और अब सरकार को निर्णय लेना है, क्योंकि एएसपी ने अपना पक्ष रखा है, सिपाहियों ने अपना पक्ष रखा है, कौन सही है कौन गलत है ये निर्णय अब सरकार लेगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को लेकर बिहार के सियासी गलियारे से लेकर प्रशासनिक महकमे तक में खलबली मची हुई है। जी धन्यवाद रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये वीडियो वायरल हो रहा है जो कि बीते साल नवंबर का बताया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो से जुड़े सवाल पर वरीय अधिकारी ने कहा कि यह पुराना है और इस पर संज्ञान लेकर जांच की गई है, रिपोर्ट भेज दिया गया है।